हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी आईटी बेस्ड नॉलेज इम्प्रूव करते हैं हमारी क्लासेस में। आई होप अभी तक आपने काफ़ी मेरी वीडियोस देख भी ली होगी और उन्हें लाइक भी करा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप। आप लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने डेटा टाइप की काफ़ी टाइम बात करी है कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट का है, या जो भी डेटा टाइप है। ठीक है, काफ़ी हमने डेटा टाइप के बारे में बात करी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होते हैं, है ना, कौन होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेटा टाइप के बारे में कि आखिर डेटा टाइप क्या होता है। आई होप अभी तक आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं। यहाँ देखते हैं हम, द नेम डेटा टाइप इज रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डेटा वट वी आर चूजिंग। जो आपका डेटा टाइप का नेम होता है वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहा है कि आप किस तरीके का डेटा अपने प्रोग्राम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था, हमने इंटीजर यानी विदाउट डेसिमल्स वाले नंबर्स लिए थे, यानी हम केवल नंबर्स वाले प्रोग्राम्स के थ्रू हमारे वेरिएबल्स ले रहे थे, है ना। तो जो भी आप अपना चूज कर रहे हैं डेटा, उसके नेम को डिफाइन करने के लिए जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल। जो भी आपका डेटा का टाइप होता है वो किस में स्टोर होता है, आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप जानते हैं, आप कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल्स ले लिया ए, तो ए आपका वेरिएबल है जिसमें कि आप कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो जो डेटा टाइप होता है वो आपके वेरिएबल के इनसाइड में क्या होता है, स्टोर होता है। आप जैसे ही कोई भी डिजिट लिखते हैं या स्ट्रिंग लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये इसमें फंक्शंस के थ्रू क्या करता है, कॉल करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो आपका डेटा लिया गया है वो किससे रिलेटेड है, डेसिमल से है, फ्लोटिंग पॉइंट से है, या फिर आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं 10 ले लिया आपने, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके डिफाइन करवा देगा कि ये किसके अकॉर्डिंग है, इंटीजर टाइप का डेटा है। इसी तरह देखिए, यहाँ पे 100.50 लिखा हमने, ये हमारा फ्लोट टाइप का क्या है, डेटा है, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइब्रेरी में ये सब चीज़ें सेव है। ट्रू लिया आपने तो ये बुलियन के अकॉर्डिंग वर्क करता है, बुलियन टाइप है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको, अगर आप इसका टाइप जानना चाहेंगे तो आप टाइप फंक्शन अप्लाई करके जान सकते हैं कि आखिर जो भी आपने वैल्यूज़ ली है उनका डेटा टाइप क्या है। तो आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप केवल अपने वेरिएबल्स देते हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा, आप केवल अपने वेरिएबल्स लेते हैं और उनमें जो भी असाइन करना होता है वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। ऑटोमेटिकली ही ये आपके उस वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेता है कि जो भी इसमें फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम बने होते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि जो भी आपने वैल्यू असाइन करी है वो किस डेटा टाइप का है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस की वीडियोस में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बताया है कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स, वैल्यूज, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो कंटिन्यू करते हैं, द डेटा टाइप्स आर रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डेटा व्हाट वी आर चूजिंग इन आर प्रोग्राम। वही है कि डेटा टाइप्स क्या है, हम जो हमारे प्रोग्राम में जिस टाइप का डेटा ले रहे हैं उसी रिप्रेजेंट करवाता है, डेटा टाइप हमारा कहलाता है। पाइथन इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, पाइथन किस पर वर्क करती है, आपके ऊप्स पर वर्क करती है। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उस पर वर्क करती है, यानी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें काफ़ी हम क्लास डिफाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एक तो रियल टाइम में ये वर्क करता है, रियल टाइम का डेटा मेंटेन करता है, और ये आपके ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसमें हम क्लासेस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम कोई बाइक की भी मॉडल के बारे में पता करना चाहते हैं ना, तो देखिए हमने बाइक यामाहा की कर ली, बजाज की कर दी, हुंडई की कर दी, मे बी, है ना, तो ये सारे क्या हो गए, अलग अलग मॉडल्स हो गए। बट इन सभी का अगर हम एक क्लास बना देते, जैसा कि हमने हमारे सीएसएस में भी क्लासेस बनाई है ना, तो अगर हम इनकी एक क्लास बना देते तो क्लास क्या बनेगी, हमारी एक बाइक का बनेगी। ठीक है, तो हम उप्स में क्या करते हैं, रियल टाइम में जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो जैसे हमारे पास बाइक्स थी, उन ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोग्रामिंग में हमारा प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग दैम और डिक्लेयर देयर टाइप। आपको किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के टाइम किसी भी वेरिएबल का नेम, डेटा टाइप देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा, क्योंकि आप वेरिएबल से केवल नेम लिखते हैं और उनमें वैल्यूज असाइन करते हैं, आप वहाँ पे वो तो लिख नहीं रहे कि वो किस डेटा टाइप का है, बस ये आपके ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है कि पर्टिकुलर जो आपने लिखा है आपका वेरिएबल और वैल्यूज वो किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको आपको समझ में आ ही गया होगा।
नेक्स्ट आता है एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर हमारा वेरिएबल क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं पाइथन क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन में जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हमारे डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पहले से हमारे इस पाइथन प्रोग्रामिंग में बने हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं। इन पाइथन बेसिक डेटा टाइप्स आर 14, है ना। पाइथन में बेसिक डेटा टाइप आपके 14 है। एग्जांपल के लिए हो गया आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कंपेल्स हो गया, बुल हो गया बुलियन के लिए, एसटीआर स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन, सेट, डिक्ट, बाइट्स, बाइट एरे, रेंज एंड नन। ठीक है, ये इतने हमारे 14 क्या होते हैं, हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है हमारे प्रोग्राम के अंदर ही, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी वैल्यूज़ आप लिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, आपके डेटा टाइप को शो करवा देता है कि ये पर्टिकुलर जो आपने वैल्यू लिखी है वो किस डेटा टाइप की है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए ये क्या कर रहा है, हमने एक वेरिएबल लिया ए और उसमें हमने असाइन करवाया 100। ठीक है, अब क्या होगा, ए के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, हियर्स ए इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल, 100 इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारा ए क्या है, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करवा रहा है कि हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किस डेटा टाइप का है और वो क्या है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए तो आप आराम से पता कर सकते हैं, ये हमारा इंटीजर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वही है कि हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और जो ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है, और उसी के साथ साथ हमारा डेटा टाइप इसमें हमारा डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिकली हमारे डेटा के अकॉर्डिंग उनका टाइप डिसाइड कर देता है। हियर सम मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बिल्ट फंक्शन आर, कुछ इन बिल्ट फंक्शन है, इसमें इन बिल्ट फंक्शन हैं जैसे कि टाइप ए। अगर आप जानना चाहते हैं टू नो विच क्लास अ वेरिएबल और अ वैल्यू बिलोंग्स टू, कि कौन सी क्लास और आपके वेरिएबल से है और कौन सी वैल्यूज उसकी बिलोंग करती है, तो आप टाइप ए का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी प्रीवियस में आपने देखा था, हमने लिखा था ए इक्वल्स टू 100, है ना। अब आप जानना चाहते हैं कि जो ए में वैल्यू लिखी गई है वो किस टाइप की है, फ्लोट की है, इंटीजर की है, स्ट्रिंग की है, किस टाइप की है, उसके लिए आप क्या लिखते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप के वैल्यूज़ को असाइन करता है। सेकंड आपका पहला फंक्शन है इज इंस्टेंस 100, int। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चेक किया जाएगा कि जो 100 वैल्यू दी गई थी ए में क्या वो इंटीजर टाइप की है। अगर उसे कंडीशन सही मिलती है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा कि हाँ अगर 100 में इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी गई है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। टू चेक इज एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और नोट और नॉट, है ना, या तो वो होगी या नहीं होगी। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देते हम और हम यहाँ पे इंट लिखते तो हमें क्या कंडीशन मिल जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉल्स मिल जाता। थर्ड आता है हमारा IDA। अगर हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारी मेमोरी बनी हुई है इसमें जो वैल्यू असाइन करी गई है उसका हमारे मेमोरी में एड्रेस क्या है, कौन से एड्रेस पे जाके हमारा ये डेटा स्टोर हुआ है, तो अगर आप वो एड्रेस जानना चाहते हैं तो आप ID वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू कॉल करा सकते हैं कि क्या ID है आपके इस पर्टिकुलर जो भी आपने वैल्यू असाइन करी है। टू नो दी एड्रेस ऑफ दी ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी, मेमोरी में ऑब्जेक्ट के एड्रेस के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ कर रहते हैं। टाइप हो गया, इज इंस्टेंस हो गया, ID हो गया, और प्रिंट फंक्शन आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंट लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करा, वेरिएबल का नेम लिखा, ब्रैकेट क्लोज, टू प्रिंट दी वैल्यू ऑफ ए, यानी क्या होगा, इससे ए की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे सामने प्रिंट होके आ जाएगी। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ इन सभी का, ताकि आपको और भी अच्छे से माइंड में सेट हो जाए कि कैसे हमें इस पर वर्क करना है, कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कैसे कैसे हमारा ये रन करेगा। ठीक है, तो हम हमारा पाइथन का स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथन 2.7 है, इसमें आपके पास हो सकता है अपडेटेड वर्जन्स हो और इससे लोअर वर्जन्स हो, जो भी आपका रन कर रहा होगा वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे लिख के देखते हैं ना,
सबसे पहले हमने अभी करा था टाइप ए करा था, बट टाइप ए करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे ए में कोई हमें वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ क्या करते हैं, हम ए में कोई वैल्यू दे देते, फॉर एग्जाम्पल 100 दे दिया, ठीक है 100 दे दिया। अब हमने कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पर लगा रखे थे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइप का लगा रखा है, इज इंस्टेंट का लगा रखा है और आईडी का लगा है। चलिए सबसे पहले प्रिंट का दिखा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आप इस ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है। आप चाहे तो फाइल सेव करके बाद में रन करा के भी देख सकते हैं, बट आप इस तरह से भी अपने एक एक लाइन का, इंटरप्रेटर है तो एक एक लाइन का आपको यहाँ पे भी रेस्पॉन्स मिलता जाएगा, ठीक है। ए में हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें 100 असाइन करा और प्रिंट करवा दी हमने ए की वैल्यू। तो देखिए ए हमारा यहाँ पे, ए में जो भी वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे शो हो गया। अब आप देखना चाहते हैं कि इसका टाइप क्या है, है ना, ये जो आपको दिखा रहा है ना ए, अभी तो आपको देखने से तो पता चल रहा है कि आपका इसका वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। बट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम के थ्रू रन करवाना चाहते हैं कि क्या ये इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है या किसी दूसरे टाइप का है, तो वो भी हम यहीं पर करवा के देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको लिखना होगा टाइप TYPE, ठीक है, टाइप लिख देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे और भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और हम करवा देते हैं ए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। तो देखिए ये बता रहा है टाइप क्या है इसका, इंटीजर है ना, यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है टाइप क्या है इसका, इंटीजर है, यानी ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, फ्लोटिंग या स्ट्रिंग इसमें नहीं है। अगर फ्लो पॉइंट्स की होती डेसिमल की तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स हो जाता और फ्लोट यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता, अगर कोई स्ट्रिंग होती तो आपको स्ट्रिंग का रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता, बट ये हमारी इंटीजर टाइप की थी। ए हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल्स जो भी चाहें वो ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे ए नहीं लिखना होगा, जो भी आप वेरिएबल लेंगे उसका नेम यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने दो कर लिए हैं, प्रिंट कर लिया और हमने टाइप कर लिया। अब हम करते हैं इज इंस्टेंस 100, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इज इंस्टेंस और यहाँ पे कर देते हैं हम हमारा ब्रैकेट स्टार्ट। क्या ये जो 100 दिया गया है इंटीजर टाइप का है और नॉट, ठीक है, हमने ये लिखा और एंटर कर देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू। ट्रू क्यों, क्योंकि जो हमारा 100 है वो इंटीजर टाइप का, यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आई है यहाँ पे, क्या ए में लिखी गई वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ट्रू मिल गया, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते, आप देखना चाहते हैं कि क्या ए में रखी गई वैल्यू नहीं है, है, तो आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग और भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद, ठीक है, इसने बता दिया कि हाँ इंटीजर टाइप का। अब अगर हम यहाँ पे फ्लोट रख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ तो इसमें चेंज नहीं होगा, जानते ही आप, हम क्या करते हैं हम यहाँ पे इसमें फ्लोट रख के देखते हैं इज इंस्टेंस, आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इज इंस्टेंस ब्रैकेट स्टार्ट 100, क्या ये फ्लोट का है वेरिएबल, हमने ब्रैकेट करा क्लोज। अब देखिए यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो फ्लोट नहीं है, वो है इंटीजर टाइप की, जिसका रिजल्ट हमें पहले ही मिल गया, ट्रू कंडीशन हो ही गई हमारी। फ्लोट इसलिए दिया क्योंकि फ्लोट में नहीं है, इंटीजर टाइप में, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब आप देखना चाहते हैं कि इसका मेमोरी में क्या क्या एड्रेस है, तो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हमने आईडी लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करा और ए लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। तो देखिए ये जो बता रहा है ये क्या है, इसकी मेमोरी आईडी है, जो कि आपके इसने जब आपने ए वेरिएबल बनाया होगा तो ऑटोमेटिकली इसे अलॉट हो गई है और वहाँ से आपके इस प्रोग्राम के रिस्पॉन्स को कॉल किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये तीनों वेरिएबल्स इनबिल्ट डेटा टाइप वाले आपको समझ में आ गए कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटीजर है या नहीं है, किस टाइप का है। आई होप आप अच्छे से इन्हें समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल्स और कुछ और थ्योरीज के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।